नमस्कार दोस्तों, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है एग्ज़ाम सेंटर के संबंध में। इसमें अधिसूचित है कि भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना COVID-19 संक्रमण बीमारी के संबंध में जारी गाइडलाइन एवं उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के परिपालन में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय परीक्षा केंद्र निर्धारित समिति के अनुशंसा अनुसार एवं प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात शैक्षणिक सत्र दिसंबर 2021 MBA तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाओं हेतु निम्नानुसार परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हैं MBA थर्ड सेमेस्टर के दिसंबर 2021 का जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए, MBA तृतीय सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन है। इसमें जो कॉलेजेस हैं, रेडियंस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जबलपुर, श्री राम RSIT जबलपुर, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जबलपुर, इन तीनों ही कॉलेजों का सेंटर रहेगा विक्रम साराभाई भवन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में। अब आते हैं दूसरा एक कॉलेज है, ग्लोबल नेचर केयर संगठन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जबलपुर। इस कॉलेज का सेंटर रहेगा हवाबाग महाविद्यालय जबलपुर पे। फिर है लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जबलपुर। इस कॉलेज का सेंटर रहेगा नवयुग महाविद्यालय जबलपुर। ज्ञान गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जबलपुर का सेंटर रहेगा केसरवानी महाविद्यालय जबलपुर। और ज्ञान गंगा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जबलपुर और श्री राम SRIM जबलपुर, इन दोनों कॉलेज का सेंटर रहेगा गुरु तेग बहादुर खालसा महाविद्यालय जबलपुर में। ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जबलपुर और लक्ष्मीबाई साहू जी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जबलपुर, इन दोनों कॉलेजों का सेंटर रहेगा जानकी रमन महाविद्यालय जबलपुर में। फिर इसके बाद है श्री राम SRIT MCA MBA जबलपुर और SGBM इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ऑफ साइंस जबलपुर और तक्षशिला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जबलपुर, इन तीनों ही कॉलेज का जो सेंटर होगा सेंट एलाइसिस महाविद्यालय पेंटीनाका जबलपुर में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सेंटर बनाए गए हैं जो MBA तृतीय सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए। तो अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग जो है आप अपना सेंटर देख सकते हैं। आइए देखते हैं एक और जी, इसमें भी एग्ज़ाम सेंटर है लेकिन ये जो भी स्टूडेंट हैं BSc बीएड, BA बीएड सिस्टम सेमेस्टर यानी सिक्स्थ सेमेस्टर के BSc बीएड, BA बीएड जिनकी एग्ज़ाम है सत्र जो है मई जून 2021 सेशन के लिए जो एग्ज़ाम होंगे, तो उनके जो कॉलेज हैं इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया हुआ है उन्हीं जगह पे है। तो इसमें जो भी कॉलेज हैं जैसे स्वामी प्रज्ञानंद शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर BA बीएड का, तो और जबलपुर पब्लिक कॉलेज जबलपुर, सेंट एलाइसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गौर जबलपुर और विजयश्री एजुकेशन इंस्टीट्यूट जबलपुर है ना, इन सभी के जो भी BA बीएड या BSc बीएड के है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इन सभी कॉलेज का सेंटर जो होगा विक्रम साराभाई रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में होगा। तो आप देखें आपके कॉलेज के हिसाब से कौन सा सेंटर है, आप कॉलेज के आगे वो सेंटर आपको रहेगा, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। फिर दूसरा है साईनाथ इंस्टीट्यूट कटनी BA बीएड और बारडोली जन कल्याण एवं विकास समिति कटनी, इन दोनों ही कॉलेज का सेंटर रहेगा शासकीय तिलक महाविद्यालय कटनी में। फिर इसके बाद है माँ रेवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन मंडला BA बीएड का जो है सेंटर होगा
शासकीय रानी दुर्गावती स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंडला में। फिर है मेकल सूता एक्सेलेंस कॉलेज डिंडोरी बीएससी बीएड, इसका सेंटर होगा शासकीय चंद्र विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डिंडोरी में। फिर ओरिएंटल बीएड कॉलेज बालाघाट बीए बीएड और पाली एकेडमी इंस्टीट्यूट बालाघाट बीएससी बीएड, इन दोनों ही कॉलेज का सेंटर होगा शासकीय जीएसटी पीजी बालाघाट। तो जितने भी विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केंद्र परीक्षा संचालन शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करें, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये नोटिफिकेशन है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं, तो आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं बीएससी बीएड और बीए बीएड सक्स सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए, जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत जो कॉलेज आते हैं उनके लिए है। तो बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।